हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। दिस इज ओमकार सिंह। यू आर मोस्ट वेलकम माई यूट्यूब चैनल द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश। वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट टू, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, माई फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे हम। आज इंटरोगेटिव डिस्कस करेंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन किसी प्रकार का शुल्क भी दे नहीं है, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो माई डियर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस। पार्ट वन पहले डिस्कस कर लिया हमने। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो उसे पहले देखिए, जिससे आसानी से आप समझ सकेंगे। कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया जाए, तो सबसे पहले सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करते हैं। मतलब फ्यूचर में विल या शैल ही आता है फ्रेंड्स। आई बी के साथ शैल लगाते हैं, अन्य सभी के साथ विल लगाते हैं। सिंपल वे में अगर कोई नेसेसिटी दी जाए या अवश्य वर्ड दिया जाए या धमकी दी जाए तो आई बी के साथ विल का प्रयोग कर लेते हैं, बाकी अन्य के साथ सेल का प्रयोग। बस इतना सा चेंजिंग होता। जब क्या सब दिया जाता है हिंदी वाक्य के प्रारंभ में, तो उसके अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या सेल का प्रयोग करेंगे। दूसरा, अगर हिंदी वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया जाए, तो सबसे पहले दिए गए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। भाई है, बहन है, भेयर है, भाट है, हिंदी में कहें तो कब, कौन, कैसे, ये सब हमारे इंटरोगेटिव वर्ड कहे जाते हैं। अगर ये हमारे बीच में आते हैं तो हम सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी लगाते हैं। अगला हमने रूल लिया है, यदि सेंटेंस नेगेटिव मूड में हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अगर नेगेटिव भी है इंटरोगेटिव के साथ साथ, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। ये आप समझते हैं, ये चिन्ह आपको लगाना है। फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। हमने कॉमन फॉर्मूला लिया है, इंटरोगेटिव वर्ड विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर से जोड़ देते हैं, फिर सेकंड सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये हमारे फॉर्मूला रहते हैं, जो कि आपको पता है। इसमें पहले शब्द भी दिया जाता है, पूर्व शब्द दिया जाता है। अगर ऐसा है तो दूसरा पार्ट जो बनता है हमारा, जो कार्य पहले होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिफोर लगा करके बना देते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, क्या वह शाम तक पत्र लिख चुका होगा। अब चुका होगा, चुकी होंगे, ये हमारी पहचान होती है फ्रेंड्स। क्या शब्द से शुरू हो रहा है तो हमें सबसे पहले इसकी अंग्रेजी तो नहीं लगाना है, क्या लगाना है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब विल। फिर ही हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें ए लेटर बाय इवनिंग, तक का मतलब बाय। तो ये तो हमारा सीधा सीधा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्लियर हुआ, विल ही हैव रिटन ए लेटर बाय। दूसरा लिया है, क्या रानी के खाना बनाने से पहले बच्चे स्कूल नहीं जा चुके होंगे। अब देखिए क्या सबसे शुरू हुआ है और इसमें पहले भी शब्द दिया है, तो हमें पहले के बाद वाला भाग अर्थात बच्चे स्कूल नहीं जा चुके होंगे, इससे पहले हम लगा देंगे क्या। मतलब क्या बच्चे स्कूल नहीं जा चुके होंगे, ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो विल Children not have gone to school. अब पहले की अंग्रेजी लगा दी बिफोर। अब रानी के खाना बनाना अर्थात रानी खाना बनाती है, ये बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो रानी cooks food. Dear guys, will children not have gone to school before रानी cooks food? ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ईजी है तरीका बनाने का। नेक्स्ट वन कुछ सेंटेंस दिया है,
क्या पिताजी के घर जाने से पहले हमने ताजमहल नहीं देख लिया होगा? देख लिया होगा या देख चुके होंगे, बात एक ही है, लिया होगा, दिया होगा, ये भी शब्द इसमें आते हैं। क्या शब्द दिया है? अब देखिए, पहले शब्द भी दिया है तो हमारा सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा? हमने ताजमहल नहीं देख लिया होगा, तो क्या लग जाएगा यहाँ इससे पहले? क्या हमने ताजमहल नहीं देख लिया होगा पहले पिताजी के घर जाने, इस तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या के अंग्रेजी लगाने नहीं है, हम दिया हमने, अर्थात सेल आएगा, फिर सेल बी नॉट, निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। हैव सीन द ताजमहल बिफोर फादर गोज होम, जाना मतलब गो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा गोज। माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस बनेगा सेल बी नॉट हैव सीन द ताजमहल बिफोर फादर गोज होम। ये आपके समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी तरीका हम आपको बता रहे हैं बनाने का ट्रांसलेशन। शीला के विद्यालय जाने से पूर्व तुमने गाना क्यों गाया होगा? अब देखिए, इसमें क्यों शब्द दिया है, बीच में दिया है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। जब बीच में दिया जाता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, भाई आ गया। अब वहीं से बनाना है, तुमने गाना क्यों गाया होगा, ये बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और शीला के विद्यालय जाना है ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हाई विल यू हैव संग ए सॉन्ग बिफोर शीला गोज टू स्कूल, वाई विल यू हैव संग अ सॉन्ग बिफोर शीला गोज टू स्कूल, हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। रमेश के पत्र लिखने से पूर्व वे उपन्यास क्यों नहीं पढ़ चुके होंगे? हमें बनाना है यहाँ से इतना पार्ट पहले, वे उपन्यास क्यों नहीं पढ़ चुके होंगे, तो क्योंकि अंग्रेजी भाई, विल दे नॉट हैव रेड, रेड बोलेंगे रीड नहीं, ए नॉवेल बिफोर रमेश राइट्स ए लेटर, क्योंकि ये वाला पार्ट बनता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और पहले की अंग्रेजी लगा देते हैं बिफोर। तो पूरा सेंटेंस हमारा हुआ, वाई विल दे नॉट हैव रेड ए नॉवेल बिफोर रमेश राइट्स ए लेटर। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। एक से दो बार या तीन बार वीडियो आप देखेंगे, दो से तीन बार, तो निश्चित रूप से आप अच्छा सा याद हो जाएगा और आप बढ़िया करके कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई